नमस्कार, एमपी न्यूज कास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ दीप्ति भटनागर। आइए शुरुआत करते हैं दिनभर की कुछ खास खबरों के साथ। पूर्व मंत्री स्वर्गीय सत्येंद्र पाठक की स्मृति में जिला अस्पताल में 7 करोड़ की लागत से बनने वाली नई बिल्डिंग के भूमि पूजन के बाद शहर की राजनीति में नए राजनीतिक समीकरण उभर रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के हाथों भूमि पूजन के महज 11 दिन बाद जिला अस्पताल में ही कटनी विधायक संदीप जायसवाल पहली बार अपने परिवार को मीडिया के सामने लेकर हाजिर हुए। मौका था आज रविवार को कटनी विधायक संदीप जायसवाल के जन्मदिवस पर जिला अस्पताल में आयोजित हुए रक्तदान शिविर का। शहर में बदलती राजनीतिक फिजा का एक उदाहरण यह भी देखने मिला कि विधायक ने जन्मदिवस पर पत्रकार वार्ता का आयोजन अस्पताल परिसर में निर्माणाधीन बिल्डिंग में ही किया। मीडिया से चर्चा करते हुए विधायक ने बताया कि 16 करोड़ की लागत से नवीन बिल्डिंग जिसमें महिलाओं और बच्चों के उपचार की विशेष सुविधा रहेगी जल्द ही शुरू होगी। विधायक ने तर्क दिया कि पहले रक्तदान शिविर ब्लड बैंक में हुआ तो वहां एसी वगैरह लग गए, ट्रॉमा यूनिट में हुआ तो वहां व्यवस्था बदली और अब रक्तदान शिविर नई बिल्डिंग में किया गया है तो उम्मीद है कि यहां भी सब कुछ ठीक ठाक रहेगा। आपको बता दें कि विधायक संदीप जायसवाल के जन्म दिवस पर जिला अस्पताल ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। दोपहर 2:30 बजे तक लगभग 125 यूनिट रक्त ब्लड बैंक में जमा हो चुका था। आपको बता दें कि विधायक संदीप जायसवाल के द्वारा पिछले 5-6 वर्षों से अपने जन्म दिवस पर रक्तदान शिविर आयोजित किया जा रहा है। इस बार जन्म दिवस पर खास बात यह रही कि पत्रकार वार्ता भी आयोजित हुई और वह भी निर्माणाधीन बिल्डिंग में। कटनी शैलेश पाठक की रिपोर्ट। मेरा जन्मदिन है और मेरे बहू और बेटे की शादी की सालगिरह भी है। संदेश यही है, जो लगातार 5 शिविर, बीच में 2 साल का गैप हुआ, रक्तदान के शिविर जो आयोजित किए गए, आप भी महसूस करते हैं, हम भी महसूस करते हैं कि चाहे शहर हो या गांव, रक्तदान करने में लोगों के मन में हिचकिचाहट होती है, कई तरह की भ्रांतियां होती हैं। इस तरह के शिविर के माध्यम से हम लोग एक जागृति का प्रयास करते हैं और रक्तदान बड़ी संख्या में लोग आज अभी तक 125 से ऊपर रक्तदान हो चुका है, अभी लगातार चलेगा और संख्या बढ़ेगी। और सिर्फ उसका एक ही कारण है, लोगों को प्रेरित करना कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में रक्तदान करें, ज़रूरतमंद को समय पर रक्त मिल सके, लोगों की जान बच सके। 16-17 से किया जा रहा है, बीच में कोरोना के कारण रुका था, फिर कोरोना की दूसरी लहर में आवश्यकता पड़ गई थी, तब भी रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था। अस्पताल की बिल्डिंग का भी लोकार्पण होना है, क्योंकि अस्पताल में जगह नहीं थी। देखिए, ब्लड बैंक में किए थे तो वहाँ पे सारा सिस्टम सही हुआ, एसी वगैरह लगे। फिर अगला हुआ हम लोगों का ट्रामा यूनिट में, अब ये वाला हुआ इसमें, और ये भी बिल्डिंग अच्छी मिलेगी। मुख्यमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, मैनेजमेंट के लिए अच्छी सिस्टम रहेगा। सारे जो मेडिकल साइंस के हिसाब से जो भी सिस्टम जरूरी होगा सब यहाँ पे लगाया जाएगा, आधुनिक भवन होगा।